Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Kanchan and you are watching English Connection. Basic English Grammar Series के Day 12 में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है एडवर्ब्स. एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं. इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि डे 11 में आपने एडजेक्टिव्स के बारे में सीखा था और आज आप सीख रहे हैं एडवर्ब्स के बारे में. एडजेक्टिव्स विशेषण कहलाते हैं और वो विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की, और एडवर्ब्स क्रिया विशेषण कहलाते हैं और ये विशेषता बताते हैं क्रिया की यानी कि वर्ब की. लेकिन सिर्फ वर्ब की विशेषता ये नहीं बताते, ये कुछ और भी बताते हैं, तो वो आप इस वीडियो में आगे सीखेंगे कि एडवर्ब है क्या, एडवर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं और एडवर्ब्स की पोजीशन क्या होती है सेंटेंसेस में, ये भी आप इस वीडियो में सीखेंगे. तो गाइज, अगर आपने इस सीरीज की पहले की वीडियोस मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है, आप वहां जाके उन्हें देख सकते हैं. और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो वर्ड्स हम कवर करने वाले हैं, जो एडवर्ब्स हम कवर करने वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप मोस्टली अपनी कॉन्वर्सेशन में उन्हें यूज करते हैं, तो आज हम उनकी सही पोजीशन को भी समझेंगे. तो वीडियो एंड तक देखें और जो पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे वो कमेंट में लिख के जरूर बताएं. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद आने वाले बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि आप इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस ना करें. लेट्स बिगिन. तो गाइस, सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं. तो एडवर्ब को क्या बोलते हैं? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, सो इट्स अ वर्ड, ये एक ऐसा शब्द है दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ड, जो कि एक क्रिया को डिस्क्राइब करता है यानी कि क्रिया के बारे में और बताता है. एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव यानी कि जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा विशेषण, उसके भी बारे में ये विशेषता बताता है. और अनदर एडवर्ब, मतलब कि किसी और एडवर्ब के बारे में भी ये विशेषता बताता है. तो एक साथ दो एडवर्ब्स भी यूज हो सकते हैं, ठीक है. दे आंसर द क्वेश्चंस लाइक व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ ऑफन एटसेट्रा. तो जब सेंटेंसेस में हम ये समझना चाहें कि कौन सा वर्ड एडवर्ब है, तो अगर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएंगे, ठीक है. एंड द एडवर्ब्स आर द वर्ड्स लाइक वेरी, रियली, इनफ, टुमारो, हाउएवर, ऑलवेज, नेवर, स्लोली, एटसेट्रा, ठीक है. ये सभी वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब्स हैं. इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं और ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटी है कि ये एक वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और खुद एक एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है. तो अब सेंटेंसेस देखते हैं. ही राइट्स फास्ट, यहां पे मैं कह रही हूं कि वो तेज लिखता है. तो ये जो फास्ट है ये राइट को डिस्क्राइब कर रहा है ना, लिखने को, क्रिया को. और अगर हम पूछें हाउ डज ही राइट, मतलब कि वो कैसे लिखता है, तो हमें जवाब मिलेगा फास्ट, ठीक है. तो अगर हाउ हमने क्वेश्चन किया तो हमें जवाब मिल गया फास्ट. फास्ट एक एडवर्ब है. शी लुक्स रियली ब्यूटिफुल, शी लुक्स ब्यूटिफुल, बट यहां ये जोर दिया जा रहा है कि शी लुक्स रियली ब्यूटिफुल. तो ब्यूटिफुल एक एडजेक्टिव है और उसकी भी विशेषता बता रहा है कि वो सच में वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है. तो रियली क्या है, एक एडवर्ब है. यू कैन स्टे हियर टुनाइट, तुम आज रात के लिए यहां रुक सकते हो. यू कैन स्टे हियर टुनाइट. सो द क्वेश्चन इज वेयर, हियर, यहां. तो हियर एक एडवर्ब है, ठीक है. साथ में टुनाइट भी एक एडवर्ब है. अगर हम पूछे वेयर तो जवाब मिलेगा टुनाइट, आज रात. नेक्स्ट इज आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा. वेल, कब आओगे, कब. तो ये क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है, जो कि ये बता रहा है कि क्रिया जो होगी वो कल होगी. आई नेवर गो टू द बीच, मैं बीच पर कभी नहीं जाती. कब कब नहीं जाती, हाउ ऑफन, नेवर. तो जवाब में मिला नेवर. सो नेवर एक एडवर्ब है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं बोलू ही ईट्स क्विकली, इसका मतलब है कि वो जल्दी खाता है. तो खाने की क्रिया को क्विकली ने और भी ज्यादा डिस्क्राइब किया, तो क्विकली क्या है, एडवर्ब है.
और अगर मैं बोलूँ ही ईट्स रियली क्विकली कि वो बहुत जल्दी खाता है, तो यहाँ पे रियली जो है वो भी एक एडवर्ब है जो कि एडवर्ब के ही बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, ही ईट्स रियली क्विकली। तो रियली और क्विकली दोनों ही एडवर्ब्स हैं। ठीक है, अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और मैं अब आपके लिए लेकर आती हूँ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। तो गाइज अब चलिए सीखते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। देयर आर फाइव मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। सो यहाँ मैंने टाइप्स लिख रखे हैं, यहाँ एडवर्ब्स लिख रखे हैं जो वर्ड्स हैं, और यहाँ हमने सेंटेंसेस लिख रखे हैं। ठीक है, अब देखिए द फर्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी का यहाँ ये मतलब है कि यहाँ ये बताता है कि कोई चीज कब कब होती है, हाउ ऑफन का जवाब देगा ये, जैसे कि Always, never, ever, often, usually, rarely, etc. Sentence, I often go to the beach. मैं अक्सर बीच पर जाती हूँ. So, how often do I go to the beach? मैं कब कब जाती हूँ? Often. ठीक है? So, how often का जवाब ये देगा और ये होते हैं adverbs of frequency. I usually shop online. आमतौर पर मैं online shopping करती हूँ. तो usually एक adverb है, वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ये बताता है कि कोई चीज कैसे होता है, यानी कि हाउ का जवाब देगा ये, स्लोली, क्विकली, इजिली, हैप्पीली, पेनफुली, एक्सेट्रा। शी ईट्स स्लोली, वो धीरे खाती है, तो कैसे खाती है, धीमे, स्लोली। दे लिव हैप्पीली, वे खुशी खुशी रहते हैं, कैसे रहते हैं, खुशी खुशी। तो कैसे का जवाब देते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ओके, द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ये बताते हैं कि कोई चीज कितना है, मतलब कि ये हाउ मच का जवाब देते हैं, जैसे कि वेरी, जस्ट, ऑलमोस्ट, टू, एक्सट्रीमली, क्वाइट, एक्सेट्रा। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं। तो कितनी श्योर नहीं हूं, वेरी श्योर। तो अगर हाउ मच पूछेंगे तो वेरी आ गया जवाब में। वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो वेरी यहाँ पे डिग्री बता रहा है उस चीज की। ठीक है, शी इज एक्सट्रीमली सैड, वो बहुत ज्यादा दुखी, एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक। तो कितनी दुखी है, एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री। द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जगह, तो जाहिर सी बात है ये जवाब देगा वेयर का। ठीक है, जैसे अवे, बिहाइंड, इन, डाउन, आउट, एवरीवेयर। ओके, ये एक साथ में है, एवरीवेयर, आउटसाइड, एक्सेट्रा। शी हैज गॉन आउटसाइड, वो बाहर गई हुई है, कहाँ गई हुई है, वेयर, आउटसाइड। आई हैव चेक्ड एवरीवेयर, मैंने सब जगह चेक कर लिया, कहाँ चेक कर लिया, सब जगह, एवरीवेयर। तो ये सभी वर्ड्स इस कैटेगरी में आते हैं एंड दे आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो ये क्या बताएंगे, व्हेन, यानी कि ये समय बताते हैं, सून, नाउ, टुमारो, यस्टरडे, ऑलरेडी, एटसेट्रा। ही विल बी हियर सून, मतलब कि वो यहाँ जल्दी होगा, कब होगा, जल्दी, सून। नाउ यू डू इट, अब तुम ये करो, तो कब, अब, तो जवाब में आया ना। ठीक है, तो जब टाइम बताते हैं, प्लेस बताते हैं, डिग्री, मैनर, फ्रीक्वेंसी, तो ये सब एडवर्ब्स होते हैं और आपने इनको कैटेगरी में भी देखा, सेंटेंसेस में प्रैक्टिस भी कर ली। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो गाइज अब सीखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है, किसी सेंटेंस में एडवर्ब की क्या पोजीशंस हो सकती है, कहां कहां एडवर्ब रख सकते हैं, वो है। सो देयर आर थ्री पोजीशंस। पहला है फ्रंट या फिर बिगिनिंग, मतलब कि सेंटेंस के फ्रंट में, सबसे पहले सेंटेंस में एडवर्ब ही आ जाए। दूसरा है मिड, यानी कि बीच में, और तीसरा एंड या फिर लास्ट, मतलब कि सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंसेस के जरिए हम अच्छे समझ पाएंगे। सडनली आई सॉ अ बर्ड, अचानक से मैंने एक चिड़िया देखी। तो सडनली ये क्या है, फ्रंट में आ रहा है सेंटेंस के सबसे पहले, तो ये फ्रंट पोजिशन हो गई। टुमारो आई एम गोइंग टू दिल्ली, कल मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो यहाँ भी हमने फ्रंट में रखा इसे। ही ऑलवेज डज दिस, वो हमेशा ये करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ही के जस्ट बाद, यानी कि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले आया है, ये मिड पोजीशन है,
इसके अलावा आप देखिए यहां पे आई हैव ऑलरेडी ईटन, तो ये जो ऑलरेडी है आई हैव के बाद आया है और ईटन के पहले आया है। तो आपको दो पोजीशन दिख रही हैं, लेकिन ये दोनों ही मिड पोजीशन में आएंगे, लेकिन एक फर्क है जो आप समझ लीजिए कि अगर सिर्फ मेन वर्ब है तो उससे पहले आएगा एडवर्ब, और अगर एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा एडवर्ब। ठीक है, फिफ्थ नंबर इज आई गो देयर ऑफन, मैं वहां अक्सर जाती हूं, तो ऑफन लास्ट है यानी कि एंड पोजिशन, एंड ब्रिंग दैट हियर, यहां भी एंड पोजिशन में। सो देयर आर थ्री पोजिशंस, फ्रंट, मिड एंड एंड। ठीक है, मिड का मतलब यहां पे है मिडिल से, यानी कि सेंटेंस के बीच में। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। Alright guys, it's all for today. I hope कि आज का ये लेसन आपको बहुत पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगी। वीडियो पसंद आई हो गाइज तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। और एक बात कहूंगी गाइज कि जो अगली वीडियो आएगी उसमें आप प्रेपोजिशन सीखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता होगा, तो वो वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। फिर मिलूंगी आपसे डे 13 में प्रेपोजिशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।